सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज कंसिडरेशन, और ये आपके एग्जाम के लिए आई वुड से बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से इस टॉपिक को देख लेना भैया। इस टॉपिक से 100% आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा कंसिडरेशन। बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या ही होता है, कंसिडरेशन होता है कि भाई बदले में मुझे क्या मिलेगा, तुझे भी बदले में क्या मिलेगा, मुझे भी बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो सर मैं आपको फीस पे करूंगा, मैं आपको बदले में क्या दे रहा हूँ, क्लासेस दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे क्या पे कर रहे हो, सर फीस। तो ये दोनों हमारी क्या है, कंसिडरेशन। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, फीस। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, क्लास। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंसिडरेशन सर, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इज कंसिडरेशन नेसेसरी इन ऑल केसेस, क्या सर हर केस में कंसिडरेशन जरूरी है क्या, नहीं सर कुछ एक्सेप्शन भी होता है, कुछ क्या होता है, एक्सेप्शन भी होता है। मान ले एक फादर है, डॉक्टर है, उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, तो क्या वो पहले बेटे से पैसे लेगा क्या उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, वो अपने बच्चे से फीस तो नहीं लेगा फिर उसको ठीक करने के। तो क्या लिखा हुआ है, द टर्म कंसिडरेशन इज यूज इन अ सेंस ऑफ क्विड प्रो क्रिव। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्रिव, मतलब समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्रिव, मतलब समथिंग इन रिटर्न। आगे देखो क्या लिखा हुआ, इट इंप्लाइज द वैल्यू रिसीव्ड बाय द प्रोमिसी फॉर हिज एक्ट। किसको पैसे मिल रहे हैं सर, इट इंप्लाइज द वैल्यू रिसीव्ड बाय द प्रोमिसी फॉर हिज एक्ट और सम काइंड ऑफ एब्सटिनेंस ऑन हिज पार्ट फॉर द प्रॉमिस टू एक्ट और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, थस इट इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। सर दूसरे बंदे का प्रॉमिस की क्या कीमत है, उसको क्या बोलते हैं सर, कंसिडरेशन। उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। मैंने आपको प्रॉमिस करा कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन उसके बदले की कुछ क्या है, कुछ कीमत है, दैट इज द फीस दैट यू आर पेइंग मी। ठीक है, अब आपने मेरे को फीस पे करी, तो उसके भी प्रॉमिस की क्या कंसिडरेशन है कि आपको बदले में क्या मिलेगा, सर कोर्स कंप्लीट करके मिलेगा। तो सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन एज अंडर। अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। पैसा कौन मांगता है, प्रोमिसर के प्रोमिसी, प्रोमिस करने वाला पैसे मांगता है कि जिसको प्रोमिस करा जाता है सर वो पैसे की बोली लगाता है। सर देखो, मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन कोर्स कंप्लीट करवाने के कितने पैसे ले लूंगा, मान लो 10,000 रुपीज ले लूंगा। तो ए यहां पर कौन हो गया, प्रोमिसर, और ए ने जिसको प्रॉमिस करा, स्टूडेंट्स को, ए ने किसको प्रॉमिस करा, स्टूडेंट्स को, बच्चों वो कौन हो गए, प्रॉमिसी, वो कौन हो गए, प्रॉमिसी। तो बेटे डिजायर किसकी थी, कंसिडरेशन की, डिजायर किसकी थी, प्रॉमिसर की, डिजायर किसकी थी, प्रॉमिसर। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की डिजायर के हिसाब से, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे प्रॉमिसी कौन हो गए, बच्चे या कोई और पर्सन, हैज डन, उन्होंने कोई काम करा, तो उन्होंने क्या काम करा कि मेरे को बदले में कितनी कंसिडरेशन पे करी, फीस पे करी, तो कुछ काम करने के पैसे दिए, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग या कुछ ना करने के, मैंने बताया था ना सामने वाले को पैसे देता हूं, मैंने बोला भाई देख तू मेरे आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोलेगा, मैं उसके लिए तेरे को इतने पैसे देता हूँ, तो कुछ ना करने के भी मैंने क्या दे दिए, पैसे दे दिए। और डस हैज डन, डन का मतलब क्या हो गया, पास्ट, डन का मतलब क्या हो गया, पास्ट, कोई पास्ट में कुछ कर चुका है, और डस जो अभी कर रहा है, और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, डूइंग मतलब कंटिन्यूस हो गया, डस डूइंग अभी कंटिन्यूस में जो चल रहा है, और प्रोमिसेस टू डू, प्रोमिसेस का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर। तो बेटा कंसिडरेशन पास्ट की भी हो गई, कंसिडरेशन प्रेजेंट की भी हो गई, और कंसिडरेशन किसकी हो गई, फ्यूचर की भी हो गई, कि भाई पास्ट में तूने कुछ करा था उसके मैं तेरे को अभी क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्रेजेंट था उसके मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ, पैसे। तो बेटा देख देख क्या लिखा हुआ है, हैज डन का मतलब पास्ट में कुछ करा है मेरे लिए, डूइंग और डज अभी करा या अभी कर रहा है, और प्रोमिसेस टू डू फ्यूचर के लिए, कि मैं कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कुछ करके दूंगा, और प्रोमिसेस टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं करूंगा, या फ्यूचर में आपके लिए कुछ ऐसा किया था, या फ्यूचर में आपके लिए ऐसा नहीं किया था, समथिंग किसी किसी चीज की बात कर रहे हैं, सच एक्ट ऐसी हरकत, या एब्सटिनेंस कुछ ना करना, या ऐसा प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इसको क्या माना जाएगा सर, कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द प्रॉमिस। तो कंसिडरेशन क्या, मनी,
उसके लिए आपने कुछ एक्ट पहले करा था, या एक्ट अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हो, या कोई एक्ट आप किस में करने वाले हो, फ्यूचर में करने वाले हो फॉर द कंसिडरेशन। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, जैसे मान लो बच्चे से मैं बच्चे फीस मेरे पास आते हैं, फीस उन्होंने क्या कर दी, एडवांस में डिपॉजिट कर दी, क्या कर दी, फीस एडवांस में डिपॉजिट, उसके बाद मैं उनको क्लासेस दूंगा, तो मैंने क्या करा, फ्यूचर कंसिडरेशन हो गए, है ना, फ्यूचर हो गया ना कि मैं उनको क्लासेस दूंगा, या फिर मैंने पहले क्लासेस दे दी उसके बाद बच्चों से क्या ले ली, फीस ले ली, तो वो क्या हो गया, हैज डन, क्या हो गया, हैज डन, या मैंने बोला मंथली मंथली आप मेरे को फीस देते रहो, तो ये क्या होता रहेगा, डूइंग, ये क्या होता रहेगा, डूइंग, कि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ और उसके बदले में आपसे क्या ले रहा हूँ, सर पैसे ले रहा हूँ। तो ये होगी डेफिनेशन, इसको बाय हार्ट आपको क्या लर्न करना है, लर्न करना है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर के हिसाब से, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन्ड और प्रोमिसेस टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस, तो डेफिनेशन काम आएगी, इसको आपको बाय हार्ट क्या करना है, लर्न करना है, मैंने आपको समझा दिया। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज, तो इस डेफिनेशन के पॉइंट्स, इस डेफिनेशन से क्या निकल के आ रहा है, देखो क्या क्या निकल के आ रहा है, कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस, कंसिडरेशन हमेशा किसके हिसाब से चलती है सर, प्रोमिसर के हिसाब से चलती है सर, इट मस्ट कम फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, ये पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कौन देगा, प्रोमिसी देगा या कोई और पर्सन देगा उसके बिहाफ पर। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है बीकॉम का, वो जॉब भी कर रहा है, तो वो या तो मेरे को खुद पैसे दे रहा है, या कोई स्टूडेंट है जो अभी 12th क्लास का है, तो अभी उसके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर कौन पैसे दे रहे हैं, उसके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं। इट मे बी, कैसा हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, ये कोई एक्ट भी हो सकता है या एब्सटिनेंस भी हो सकती है, क्या हो सकती है, एब्सटिनेंस कुछ ना करने का, एक्ट मतलब कुछ करने का, एब्सटिनेंस मतलब कुछ ना करने का, या फिर फ्यूचर के लिए कोई प्रॉमिस भी हो सकता है कि आगे चल के करूंगा। इट मस्ट भी कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ, कुछ ना कुछ उसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, फ्री में नहीं होना चाहिए। तो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एसेंशियल है कौन, कंसिडरेशन। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज एंड इट इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड थस अनइनफोर्सेबल एट लॉ, और ये लॉ में क्या हो जाएगा बेटा, अनइनफोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कि बच्चों मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, क्लास 12th के अकाउंट्स में आपको क्या पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ा दूंगा। अब मान लो मैं बैच लेता गया लेता गया लेता गया, लेकिन मान लो 7-8 महीने के बाद मैं उस बैच को कंटिन्यू नहीं कर पाया किसी रीजन के वजह से, अब बच्चे ये नहीं बोल सकते सर आप हमें पढ़ा दो वरना हम आपको जेल लेकर जाएंगे, भैया मैंने बदले में आपसे कुछ लिया ही नहीं था, कंसिडरेशन ही नहीं ली हुई थी, तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये कैसा चल रहा था, यूनिलेटरल चल रहा था, बायलेटरल तो था ही नहीं सर। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो स्टेट्स द सेम इफेक्ट बाय प्रोवाइडिंग दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब एक्सेप्शंस टू दिस रूल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है सर, रूल क्या है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया सर, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या होंगे, वैलिड होंगे, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, हम पैसे नहीं ले रहे लेकिन वो फिर भी क्या होंगे बेटा, वैलिड होंगे। एन एग्रीमेंट विदाउट एक्सेप्शंस टू द रूल, किस रूल के एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड इवन दो दे आर नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स है जो कि वैलिड है चाहे इसमें कंसिडरेशन नहीं है। सबसे पहला क्या है, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आपने किसी के लिए करा क्योंकि आप सामने वाले से क्या करते थे, प्यार करते थे, अफेक्शन था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर एक डॉक्टर है उसने अपने बेटे का क्या करा, मान लो दवाई ठीक करी या ऑपरेशन वगैरह करा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा सर, पैसे लेगा क्या वो उसके, नहीं लेगा सर, ये भी क्या माना जाएगा आपके लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है, ये चीज समझे आप।
एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर कोई ऐसे एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप सामने वाले से प्यार करते थे, आपने कुछ काम कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आप उससे क्या लोगे, कोई कंसिडरेशन ले रहे हो। तो एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। हमें पता है सर कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कैसा हो जाता है सर जी, वॉइड हो जाता है। बट एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ, लेकिन कोई ऐसे एग्रीमेंट करा आपने किसके लिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन विल बी वैलिड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। ये सबसे पहली बात किस में होना चाहिए सर, राइटिंग में होना चाहिए, चाहे इसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी ये क्या है, वैलिड है। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर, ये किस में रजिस्टर्ड होना चाहिए सर, लॉ में, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इट शुड बी मेड बिटवीन पार्टीज हु स्टैंड इन अ नियर रिलेशंस, किसी पार्टी के बीच में जो क्या है आपस में नियर रिलेशंस में है, ठीक है, रिलेशनशिप होना चाहिए उनके बीच में, फैमिली रिलेशंस टू ईच अदर। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर, इसके अंदर चाहे कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे हमारे, वैलिड। प्रॉमिस टू पे फॉर वॉलंटरली सर्विसेस, प्रॉमिस टू पे फॉर वॉलंटरी सर्विसेस। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर। मतलब एक बंदा, उसने पहले कुछ आपके लिए कर रखा था, अब आप बदले में उसको कुछ करके दे रहे हो फ्री में, बदले में कुछ करके दे रहे हो कैसे, फ्री। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट। आप क्या कर रहे हो सामने को, बदले कंपनसेशन कर रहे हो, कुछ बदले में कुछ करके दे रहे हो होली और इन पार्ट। मतलब एक बंदा था, उसने आपकी पहले कोई जान बचाई थी किसी चीज से, अब आप उसको फ्री में कुछ करके दे रहे हो, तो ठीक है, आप उससे पैसे नहीं ले रहे। अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, आपके लिए उसने पहले कुछ करा था और डन समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेल्ड टू डू, ठीक है। ए फाइंड बीस पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी प्रोमिसेस टू गिव ए 200, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए सपोर्ट्स बीस इन्फेंट सन, ए ने सपोर्ट करा बी के छोटे बच्चे को। बी प्रोमिसेस टू पे एज एक्सपेंसेस इन डूइंग सो, उसने बोला भैया जो भी खर्च होएगा मैं आपको पे करूंगा, ये भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ एक्ट वॉज डन वॉलेंटरली, सामने वाले ने अपनी इच्छा से करा, जोर जबरदस्ती से नहीं, किसके लिए करा, प्रोमिसर के लिए करा। एंड प्रोमिसर मस्ट एग्री नाउ टू कंपनसेट द प्रोमिस, और सामने वाले ने बोला कि यार अब मेरे को इसके लिए कुछ करके देना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरे लिए कुछ अच्छा करा है। प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा, कि फ्यूचर में मैं आपको क्या दे दूंगा, कर्जे के पैसे दे दूंगा, या फिर हमने क्या बोला कि सर आज मेरे को क्या करके दे दो, आप ये सर्विसेज दे दो, फ्यूचर में मैं आपको इसके क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दूंगा, अभी सारे के सारे पैसे नहीं दे रहा, किस में पैसे दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में। तो टाइम बार डेट बना लिया हमने इसका। जैसे मान लिया अब तू कार परचेज करके लाया, कार परचेज करके लाया, तू 20 लाख रुपीज की थार लेकर आया, 4x4 दोस्तों के साथ घूमना था तेरे को, तू थार लेकर आया, पापा जी थार लेकर आनी है, 20 लाख रुपए दे दे। अब तू गाड़ी तो कितने की लेकर आया, 20 लाख रुपए की, लेकिन तू पैसे पूरे 20 लाख देकर आया, नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होना हो जाना चाहिए था, इनवैलिड होना हो जाना चाहिए था। लेकिन तू वहां पे पता है क्या करके, आप प्रॉमिस करके आया कि मैं आपको ये 20 लाख रुपीज इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा विद इन 5 ईयर्स। तो 5 साल का आपने लोन लिया 20 लाख रुपीज का उस कार की पेमेंट करने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसके अंदर अभी आपने पूरी कंसिडरेशन नहीं दी लेकिन फिर भी आपका क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट इज ऑल्सो इन्फोर्सेबल, प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग। सर जहां पर एक एग्रीमेंट होता है राइटिंग के अंदर एंड साइंड बाय द डेटर और बाय हिज एजेंट, एक एग्रीमेंट है जो कि राइटिंग में है, या तो किसने साइन कर रखा है, डेटर ने, और बाय हिज एजेंट, तो तेरे लिए वो जो है साइंड बाय द डेटर। अब जैसे आप कार परचेज करके लाए तो कार वाले के लिए कौन हो गए, आप कौन हो गए सर, डेटर हो गए, और आपके लिए वो कार कंपनी कौन हो गई सर, क्रेडिटर हो गए। तो डेटर ने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने क्या करके दिए, उसको साइन करके दिए कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरे को क्या पे कर दूंगा सर, पैसे पे कर दूंगा इंस्टॉलमेंट्स में। टू पे होली और इन पार्ट अ टाइम बार डेट इंस्टॉलमेंट्स में, या तो पूरा का पूरा पैसा 2 महीने के बाद ले लियो, या उसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में ले लियो। द एग्रीमेंट इज वैलिड एंड बाइंडिंग इवन दो देर इज नो कंसिडरेशन। कभी कभार क्या है, हमने पैसे नहीं दिए, हमने प्रॉमिस कर दिया यार 15 दिन में आके तू पूरे पैसे ले लियो ना, तो ये क्या हो गया, होली, होली का मतलब 100% पैसे ले लियो फ्यूचर में, या फिर किस में ले लियो, पार्ट्स में ले लियो, पार्ट मतलब क्या हो गया, ईएमआई में ले लियो। थस एन ओरल प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट इज अनएनफोर्सेबल। ओरल अगर आप बोलते हो ना, ओरल मुंह से बोल दिया, ऐसा माना नहीं जाएगा वो,
कैसा होना चाहिए बेटा? वो इन राइटिंग में होना चाहिए। सिमिलरली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट इज नॉट कवर्ड बाय दिस रूल, ऐसा बोलना के क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट करना कि सर सिर्फ मेरे को आपको पैसे देना है, तो वो भी नहीं माना जाएगा, पूरा आपको बताना पड़ेगा कि सर कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सर आपने मान लो एजेंसी के अंदर क्या हो जाता है कि एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप हो जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या है कि मान लो मैं आपका प्रिंसिपल हूँ, आपने मेरे से कोई सामान लिया, अब इस सामान को जाके आप मार्केट में क्या करोगे, सेल करोगे। तो जब आप सेल करके आओगे फिर मैं आपको क्या दूंगा, आपकी कमीशन पे ऑफ करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या हो गया, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू कॉन्ट्रैक्ट एन एजेंसी। सर एजेंसी के लिए आपको कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको इतना सही लिखना है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट। अब आपने किसी को क्या दिया, गिफ्ट दिया, अब किसी को तू गिफ्ट देगा तो पैसे लेगा बदले में, फिर वो गिफ्ट किस बात का हुआ। ऑल्सो द रूल विच इंसिस्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर एवरी एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट गिफ्ट, नथिंग शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी इफ एनी गिफ्ट आर एक्चुअली मेड। तो भैया गिफ्ट के अंदर आपका वैसे भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता। चलिए सर आगे, चलो सर, व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ अ कंसिडरेशन, लीगल रूल क्या है कंसिडरेशन के, सर वो किसके डिजायर के हिसाब से चलेगा, प्रोमिसर के हिसाब से। इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। तो अब वो पैसे कहां से आएंगे, या तो प्रोमिसी पे करेगा, किसकी डिजायर के हिसाब से, प्रोमिसर, प्रोमिसर ने एक डिजायर रखी कि मैं इतने पैसे लूंगा भाई काम करने के, प्रोमिसी या तो उसको पैसे देगा या प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और पैसे दे रहा होगा। ठीक है, कंसिडरेशन कैसा हो सकता है सर, पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, कंसिडरेशन किसी एक्ट का हो सकता है या कुछ ना करने का भी कंसिडरेशन हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट टू द प्रोमिस फॉर द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, द लॉ ओनली इंसिस्ट ऑन प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। जरूरी नहीं है कि एडुकेट है, जैसे मान ले कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर वो वैसे उसकी कंसल्टेशन फीस है 1500, लेकिन उसका कोई मान ले कोई जान पहचानने वाला आया, उसने उससे सिर्फ कितने पैसे लिए, 500 रुपए लिए, क्या ये एडुकेट कंसिडरेशन है? नहीं सर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो आपको लेना पड़ेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमने कितने का कंसिडरेशन ले लिया सर, 500 रुपए का कंसिडरेशन ले लिया। अब सर लॉ के अंदर कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे एक लॉयर है हर ही साल में, वैसे उनकी जो एक केस लड़ने की जो फीस है वो 80 लाख रुपए की फीस है, लेकिन अभी उन्होंने कोई पीछे एक केस लड़ा था जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ 1 रुपए लिए थे। सर वो 1 रुपए भी क्यों लिए, कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है यार, वो फ्री में ही लड़ रहे थे, उनको 1 रुपए लेकर क्या करेंगे, लेकिन सर कोई ना कोई क्या होना चाहिए सर, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन लेना है। वैसे वो एक केस लड़ते हैं तो एक हियरिंग के कितने पैसे लेते हैं, एक हियरिंग का मतलब क्या होता है, एक दिन जाने के कितने पैसे लेते हैं, हरीश सालवे लॉयर के बारे में पढ़ी हो तो उन्होंने कोई सरबजीत, सरबजीत था ना, सरबजीत की मूवी भी आई थी जो पाकिस्तान में जो फंस गया था, उसका शायद केस लड़ा था, और उससे कितने पैसे लिए थे, 1 रुपया, उसको वहां से पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए। वो 1 रुपए भी क्यों लिए, क्योंकि सर कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एडुकेट हो, लेकिन कोई ना कोई कंसिडरेशन होना ही चाहिए। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ऐसा इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। यार तू मेरे लिए काम कर दे, मैं तेरे को एक जो है ना तारा तोड़ के लाके दे दूंगा, ऐसा नहीं भैया, कोई वैलिड होना चाहिए। ठीक है, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब कैसा होना चाहिए सर, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए कि आपने कोई किसी से फ्रॉड करके पैसे लेकर दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कैसा, लॉफुल होना चाहिए। इसको फटाफट से पढ़ के देख लो, ये सारी चीजें मैंने समझा दी, इनको फटाफट से आप लोग पढ़ के देख लो, लीगल रूल्स ऑफ अ कंसिडरेशन क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेते हैं एक बार। द एक्ट ऑफ फोरबियरेंस ऑफ अ प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन मस्ट बी डन एट द डिजायर और द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। तो आपका जो कंसिडरेशन होना चाहिए शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। Thus, act done or services rendered voluntarily or at the desire of third party will not constitute a valid consideration. So, act done or services rendered voluntarily or at the desire of a third party. किसी third party के हिसाब से कोई consideration चल रहा है सर, वो हम नहीं माना जाएगा सर valid consideration. The desire of the promisor may be expressed or implied from the conduct of the parties. तो भैया कभी कभार आपका जो कंसिडरेशन है वो किस कैसे, या तो आपको बोलना पड़ेगा, या वो रिटर्न होना चाहिए, या फिर वो इम्प्लाइड होना चाहिए कि भैया इतना बड़ा काम हो रहा है तो कंसिडरेशन भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। सो लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फॉर अ प्रोमिस, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड एंड इट इज इमटीरियल हु हैज फर्निश्ड इट। सर फर्क नहीं पड़ता ये पैसे कहाँ से आए,
ठीक है, किसने दिए पैसे, पैसे चाहे सामने वाला बंदा जिसको मैंने काम करके दिया उसने दिया या उसके किसी रिलेटिव ने दिया, द प्रोमिस ही हिमसेल्फ और एनी द पर्सन फॉर हिम थस इन चिनैया वर्सेस रमैया अब ए मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर अंडर अ गिफ्ट डीड ऑफ गिफ्ट विद अ डायरेक्शन दैट डॉटर शुड पे एन एन्यूटी टू एज ब्रदर बी एज हैड बीन डन बाय ए। तो ए मेड चिनैया ए मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, ये ने क्या करा कुछ प्रॉपर्टी दी अपने डॉक्टर को, डॉटर कौन थी, टू हर डॉटर अंडर अ गिफ्ट डीड, तो गिफ्ट कर दी अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को विद अ डायरेक्शन दैट द डॉटर शुड पे एन एन्यूटी टू इज ब्रदर, के ए के भाई को आप क्या देते रहना बेटा, पैसे देते रहना। बी हैज बीन डन बाय ए ऑन द सेम डेट द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ एज ब्रदर बी एग्रीइंग टू पे द एन्यूटी द डॉटर रिफ्यूज टू फुलफिल हर प्रॉमिस आफ्टरवर्ड्स एंड एज ब्रदर बी सूड अंडर द एग्रीमेंट हेल्ड ही वॉज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ एन्यूटी एज अ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। देख पता है क्या था यहाँ पर, क्या था, एक बंदा था ए, उसने अपनी बेटी बी को क्या दिए, घर दे दिया गिफ्ट में, ठीक है, लेकिन उसने अपनी बेटी को क्या बोला कि बेटा ये घर तेरे को फ्री में नहीं दे रहा, इसके बदले में तेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो भाई है ना उसको तेरे को क्या भेजने पड़ेंगे, कुछ पैसे भेजने पड़ेंगे साल के या मंथ के, साल के तेरे को क्या भेजने पड़ेंगे, कुछ पैसे भेजने पड़ेंगे उसके खर्चे के लिए। अब उसकी बेटी ने क्या करा, पैसे भेजने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ए का जो ब्रदर था उसने उसकी बेटी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया के तू मेरे पैसे दे, क्योंकि तेरे को प्रॉपर्टी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, कंसिडरेशन क्या थी, चाहे वो गिफ्ट था, गिफ्ट मतलब फ्री, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन क्या अटैच थी कि भाई आपको उस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे, अब उसने पैसे नहीं दिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए सर, पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, फ्यूचर का, वेयर द प्रोमिसर हैज रिसीव कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रोमिस इट इज पास्ट कंसिडरेशन। व्हेन द प्रोमिसर रिसीव्स कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली विद दिस प्रोमिस, मैं कुछ काम करके दे रहा हूँ साथ साथ क्या लेता जा रहा हूँ, पैसे लेना चाह रहा हूँ, तो कंसिडरेशन क्या है, प्रेजेंट है। वेयर द प्रोमिसर हैज टू रिसीव कंसिडरेशन इन फ्यूचर फॉर हिज प्रोमिस, फ्यूचर में मिलेगा आपको कंसिडरेशन आपके प्रोमिस का, ये कैसा कंसिडरेशन है, फ्यूचर कंसिडरेशन है, ठीक है। कुछ काम करने के या कुछ ना करने के पैसे, कंसिडरेशन मे बी एट अ प्रोमिस टू डू समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ ना करने के भी हम आपको क्या दे रहे हैं सर, पैसे दे रहे हैं। कंसिडरेशन मे बी इधर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव हो सकता है कंसिडरेशन या फिर कैसा हो सकता है आपका नेगेटिव, दैट इज एन एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अ डेटर में एग्री टू पे अ सम टू अ क्रिएटर फॉर नॉट फुलफिलिंग अ सूट अगेंस्ट हिम। तो एक डेटर ने क्या बोला क्रिएटर को, यार देख तू मेरे ऊपर केस मत कर, मैं तेरे को बदले में क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, तो केस ना करने के उसने क्या दिए, पैसे दिए। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, तो थोड़ा बहुत आपको पैसे लेने पड़ेंगे तो भी वो क्या माना जाएगा, एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए एंड नॉट इल्यूजनरी, इट इज सेट टू बी अनरियल एंड इल्यूजनरी वेन द एक्ट फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल। आप पैसे तो दे रहे हो लेकिन उसके बदले में आप जो मांग रहे हो वो करना क्या है, इम्पॉसिबल है सर। और कंसिडरेशन कैसे, अनसर्टेन, मैं आपके लिए कुछ कर तो दूं लेकिन आपने ये नहीं बताया कितने पैसे दोगे, तो कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे, अनसर्टेन है सर। व्हेन इट सीम्स टू बी प्रेजेंट बट इन फैक्ट इट इज एबसेंट, द एक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अंडर अ लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म द सेम। मान लो आपने पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट लिखवाई कि सर सर मेरे घर में क्या आ गई है, चोरी हो गई है, तो आप उस चोर को पकड़ने में मदद करो। अब पुलिस वाला आपसे पैसे नहीं लेगा क्योंकि वो पैसे किससे लेता है, भारत सरकार से लेता है। अब आपके बीच उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ उसमें वो पैसे नहीं ले रहा लेकिन पैसे उसके अंदर वैसे भी प्रेजेंट है इसी चीज के, तो वो क्या ले रहा है, गवर्नमेंट से पैसे ले रहा है, आपसे नहीं ले रहा। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए सर, लॉफुल होनी चाहिए। इट इज सेट टू बी अनलॉफुल इफ, कंसिडरेशन को अनलॉफुल कब माने जाएंगे, इट इज फोरबिडन बाय लॉ। सर आपने पेमेंट ऐसे करी है जो कि क्या थी, मान्य नहीं थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी सर। इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, कुछ ऐसे नेचर की थी कि अगर आप उससे पेमेंट करोगे, अब जैसे मान ले इंडिया के अंदर अगर आप किसी को बिटकॉइन से पैसे देते हो तो वो क्या है, इलीगल है, बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन क्या है, इलीगल है। हो सकता है वो किसी कंट्री में क्या हो, लीगल हो, लेकिन इंडिया में इफ यू आर पेइंग थ्रू बिटकॉइन वो इलीगल है। वो कंसिडरेशन कैसी है, फ्रॉडुलेंट, इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। आप पेमेंट ऐसे कर रहे हो जिसके वजह से किसी बंदे को क्या हो रही है, हार्म हो रहा है, इंजरी हो रहा है, और इट इज कैसा है बेटा, समाज के लिए अच्छा नहीं है, कैसा, इमोरल है। तो ऐसी कंसिडरेशन आपकी नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। नंबर थ्री क्या बोलता है, इनसफिशियंसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमटीरियल बट एन एग्रीमेंट विदाउट, मतलब इनसफिशियंसी ऑफ कंसिडरेशन, मान लो मैं किसी चीज के 10,000 रुपए लेता हूँ लेकिन मैंने लिए सिर्फ 1,000 रुपए, अब वो इनसफिशियंट कंसिडरेशन है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन आपने कोई एग्रीमेंट करा विदाउट कंसिडरेशन, वो क्या हो जाएगा सर, आपका वॉइड हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है पूरे पूरे पैसे लो, थोड़े बहुत भी ले लो, बट इट मस्ट ऑलवेज हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। लेकिन उसकी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए सर, वैल्यू होनी चाहिए। तो लगभग थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है आपके, सेम टू सेम है, थोड़ा पढ़ के देखो, हो सकता है आपका हो जाए।